दोस्तों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस बस में, ये आपकी स्क्रीन पर जो दिख रही है www.patel-agal.in पटेल की ये बस है, इस बस से हम अहमदाबाद तक, उदयपुर से अहमदाबाद तक जाने वाले हैं। पूरा वीडियो देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप भी मेरे साथ में एंजॉय करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ये हमारी बस है और आइए इसमें बैठते हैं। ये इस तरह की पूरी बस, स्लीपर और नीचे कुछ सीटिंग है, वहाँ पर जाकर के कुछ सीटिंग है नीचे। ये कुछ सीटिंग की है, बाकी पूरा स्लीपर है। और ये केबिन का व्यू है, अभी बस चालू होती है। 350 अभी हमने शुरुआत कर दी है, यहाँ से उदयपुर से गाड़ी हमारी चल पड़ी है। इस सफर में ये हमारे साथ में भैया भी है, ये ड्राइवर साहब है और ये कनेक्टर साहब है। ये हम इनके साथ में अहमदाबाद तक जाने वाले हैं और ये हमारी बस आपने देखी है। पूरा एंजॉय करें वीडियो को और इस ट्रिप को एंजॉय करें, मज़ा आएगा आपको। पूरा वीडियो आप देखें, बहुत ही शानदार वादियाँ, बहुत ही शानदार रास्ता दिखने वाला है इस वीडियो में। तो बने रहे वीडियो में। उदयपुर से अहमदाबाद तक का पूरा तकरीबन 250 किलोमीटर का ये सफ़र, जिसमें तकरीबन हमें 6 घंटे लगने वाले हैं। और किराए की मैं बात करूं तो इस बस में, ये प्राइवेट बस है, पटेल की बस है ये, और इसमें 300 रुपये मेरा सीटिंग का टिकट लगा है। और ये 6 घंटे का सफ़र, 250 किलोमीटर का, हम इस बस से पूरा करेंगे। और बहुत ही सुंदर नज़ारे इस यात्रा में हमें देखने को मिलेंगे। आप बने रहें पूरे वीडियो में, एंजॉय करते रहें। यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये आपके बाजू में लिंक है, आपको दिख रहा है इंस्टाग्राम आईडी, आप इंस्टाग्राम पे जाकर के हमें फॉलो कर लें, जिससे आपको लाइव अपडेट मिलती रहे। काम पड़ेगा।
यहाँ से राजस्थान पूरा हो गया और गुजरात में एंटर हो रहे हैं। ये गुजरात पुलिस का चेक पोस्ट बना हुआ है। 100 रुपये में एक लगेज आ रहा है, उस लगेज को इन्होंने क्या किया था, 80 रुपये में फिक्स कर दिया था, 20 रुपये अपना कमीशन निकाला था। अभी गुजरात में एंटर हो गए हैं और यहाँ से अहमदाबाद अभी 120 किलोमीटर और है, यानी उदयपुर से अहमदाबाद के तकरीबन बीच में सेंटर में ये चेक पॉइंट है, बॉर्डर आता है, ये हमने क्रॉस कर दिया। अभी 120 किलोमीटर और जाएंगे तो अहमदाबाद आ जाएगा। लैंडस्केप बहुत ही शानदार है और ये ड्राइवर और कंडक्टर आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और गाड़ी चल रही है हमारी। होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। यदि आपका कोई कमेंट है तो ज़रूर कर दें, कैसी लग रही है ये मेरी कोशिश, मैं आपको जो मेरी यात्रा दिखा रहा हूँ कैसा लगता है, अपना कमेंट करके ज़रूर हमें बताया करें, क्योंकि बहुत ही शानदार यहाँ के लैंडस्केप हैं। बने रहे पूरे वीडियो में, अहमदाबाद तक हम इस यात्रा को एंजॉय करेंगे। चाय, पानी, पेशाब, खाना, नाश्ता 15 मिनट के लिए यहाँ पर स्टॉप लिया है। खाना वाना खा के फिर यहाँ से आगे निकलेंगे, नाश्ता करके यहाँ से अभी वापस निकल गए हैं। ये बॉर्डर का चेक पॉइंट आने का और जाने का, लेकिन अभी ये सब बंद हो गया, सब काम अभी ऑनलाइन होता है। ये देखिए, ये आने वाला भी आ गया स्क्रीन पे, ये देखिए, ये सब बंद कर दिए, सब कुछ ऑनलाइन ही काम हो जाता है, ऑर्डर करो सीधा ऑनलाइन हो जाता है। अभी हम गुजरात के अंदर हैं, गुजरात में आपका स्वागत है, वेलकम इन गुजरात। गुजरात का टोल नाका पहला, सब ऑटोमेटिक, पैसा ऑटोमेटिक कट जाता है। ये यहाँ पर चिप लगी हुई है, पूरा पैसा कट गया और खुल गया फाटक। ये राजेंद्र नगर
का चुराया है। इधर ब्रिज का काम चल रहा है और आगे ये ट्रेलर वाले भैया हैं, आगे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। और इधर ये एक छोटा सा कुछ मॉल बना हुआ है बड़ा सा, ये पूरा हिसाब किताब यहाँ का राजेंद्र नगर का। और ये अभी हम हिम्मत नगर पहुँच गए हैं, यहाँ से अभी अहमदाबाद 80 किलोमीटर और रह गया। राइट टू कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 48। कंटिन्यू नेशनल हाईवे 48 पे चलना है हमें। और ये अभी हम हिम्मत नगर पहुँच गए हैं, यहाँ से अभी अहमदाबाद 80 किलोमीटर और रह गया। राइट टू कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 48। कंटिन्यू नेशनल हाईवे 48 पे चलना है हमें। अहमदाबाद से हम तकरीबन 40 किलोमीटर रह गए हैं और ये यहाँ का हाईवे, अच्छी खासी रोडें हैं और ये कोई छोटा एक टाउन यहाँ पर है और ये यहाँ का पूरा भी ये ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब आपस में अपनी बातें करते हो गाड़ी आगे बढ़ रही है। वीडियो में एंजॉय करते रहे। ये अभी हम गांधीनगर पहुंच गए हैं और यहाँ से 30 किलोमीटर और रह गया अहमदाबाद। अभी हम अहमदाबाद पहुंच गए हैं, एंट्री हमने कर ली है। वैसे तो गांधीनगर अहमदाबाद का ही पार्ट है और अभी हम अहमदाबाद के अंदर हैं। ये सिटी बसें नारायणा पाटिया, ये भाई साहब आवाज़ लगा रहे हैं नारायणा पाटिया वाले आ जाओ, आगे नारायणा पाटिया आ रहा है। ये हमारी बस हमें यहाँ उतार दिया है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगले वीडियो तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।